हेलो एवरीवन आज है तीस दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो के बारे में सात सौ का शेयर है और पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से इसने रफ्तार दिखाई है वो बहुत ही लाजवाब है और मैं हर बार कहता हूं कि देखो विप्रो में जब भी 40-50 रुपए की गिरावट आए खरीद लेना यहां पे बढ़िया मौका मिलेगा यहाँ पर और अच्छी खासी रफ्तार इसने पकड़ी भी है वीडियो में डिस्कस करेंगे कि विप्रो में खरीदारी के मौके अब बन रहे हैं कि नहीं क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका है ये तो अब खरीदारी के मौके बनते हैं कि नहीं उसके बारे में चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो विप्रो में जो तेजी आई है उसकी दो सबसे बड़ी वजह है विप्रो के लगातार बड़े बड़े एक्विजिशंस यूएस बेस की जो लीन स्विफ्ट है उसको भैया विप्रो ने अक्वायर किया है जिससे इनके जो क्लाउड बिजनेस है उसको एक बहुत ही बड़ा बूस्टर मिलने वाला है उसके अलावा एक और बड़ा एक्विजिशन जो किया है वो एडगील का है 230 मिलियन डॉलर का और यहाँ पे इनके जो साइबर सिक्योरिटी सर्विस स्पेस है यहाँ पर विप्रो को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है तो विप्रो लगातार बड़े बड़े एक्विजिशन कर रहा है और अब कहीं ना कहीं एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि हर बार विप्रो ने जहां जहां पे दाव लगाया है वो सफल हुआ भी है और इस तरीके से आने वाले दौर में विप्रो और बड़ी अग्रेसिवली आगे बढ़ने वाला है और यही वजह है कि पिछले एक महीने में विप्रो का शेयर बारह प्रतिशत तक उछल गया है यहां पर आप देखें तो शेयर 624 का था 624 का था वो भी इसी महीने 6 दिसंबर को उसके बाद आप देखिए लगातार इसमें सिर्फ और सिर्फ तेजी ही देखने को मिली है और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ऐसा नहीं है कि तेजी आ गई तब जाके मैं आपको इसके बारे में अपडेट कर रहा हूं मैं इससे पहले भी विप्रो को लेकर कई सारे वीडियोस बना चुका हूं अगर आप देखें तो 19 दिसंबर को जब ये शेयर 670 के करीब ट्रेड कर रहा था तभी मैंने कहा था कि देखो टूटा है तो मौका है विप्रो जब भी टूटेगा 30-40 रुपए की गिरावट जब भी आए खरीद लो इससे पहले अगर हम देखें 1 दिसंबर को जब ये छः का था इसी महीने की बात है ये तब भी मेरी बाइक की रिकमेंडेशन थी उससे पहले ये अप्रैल महीने में 425 का था इसी साल अप्रैल महीने में 425 का था तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी उससे पहले पिछले साल अक्टूबर में साढ़े तीन सौ का था तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी और थोड़ा पीछे जाए तो तीन अप्रैल को कोरोना काल में जब ये एक सौ के ऊपर मिल रहा था आपको विप्रो का शेयर तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी और आज विप्रो का शेयर आपको मिल रहा है 716-715 रुपए के बीच में यहां पर अगर हम विप्रो के बारे में देखें तो विप्रो को लेकर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की सलाह को एक प्रतिशत लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं वरना हर कोई कह रहा है खरीदो या खरीदारी करी है तो बने रहो और मेरी भी वही सलाह रहेगी देखो विप्रो को कभी बेचना नहीं चाहिए ये लॉन्ग टर्म का शेयर है यहां पर इन्वेस्टमेंट करना है ट्रेडिंग नहीं लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पोटेंशियल है यहां पर सात सौ रुपये तक के जो टारगेट बड़े बड़े ब्रोकरेज फॉर्म के थे वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं और इतना ही नहीं अगर हम देखें रेवेन्यू तो लगातार अच्छे रेवेन्यू से और प्रॉफिट कंपनी ने प्रॉफिट अच्छे से कमाया है दस हज़ार आठ सौ पचपन करोड़ के प्रॉफिट्स है जो अब तक के सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है वो भी कोरोना काल में देखिए वर्क फ्रॉम होम कल्चर को आईटी कंपनी ने सबसे अच्छे तरीके से अडॉप्ट किया है और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फायदा इनको मिला भी है विप्रो के बारे में अगर हम देखें तो खरीदारी का सही मौका है क्योंकि शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं है इतनी बड़ी रफ्तार के बावजूद अभी भी सस्ता है पैंतीस का इसका पी है जबकि सेक्टर पी फोर्टी का है तो पहली चीज महंगा तो नहीं है विप्रो अभी भी इतनी बड़ी रफ्तार के बावजूद भी और विप्रो को लेकर एक चीज़ मैं कहूंगा इससे पहले भी अगर हम देखें एक साल का अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं विप्रो का तो इससे पहले भी ये सात सौ के आसपास पहुंचा था वहां से टूट कर ये करेक्ट हुआ था 624 तक गया था ये और कई सारे वीडियोस मैंने इस लेवल पे बनाए थे मैंने कहा था कि विप्रो में अगर पचास रुपए की भी गिरावट आती है ख़रीद लो इसको क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में ग्रो ही करेगा क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखें तो तेज़ी आई थी बाद में शेयर जब करेक्ट हुआ था वापस रफ्तार पकड़ी करेक्ट हुआ वापस रफ्तार पकड़ी करेक्ट हुआ वापस बड़ी रफ्तार पकड़ी है विप्रो अगेन मैं कहूंगा कुछ वक्त ऐसे भी आएंगे विप्रो में जहां ये लंबे समय तक कंसोलिडेट करेगा अगर आप देखिए तो 2017 और 18 का दौर कंसोलिडेशन वाला फेज था शेयर में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं था इवन 2019 की भी मैं बात करूं तो पूरा का पूरा कंसोलिडेशन वाला फेज़ था कोई बड़ा मूवमेंट शेयर में नहीं था काफ़ी लोगों को फ्रस्ट्रेशन भी हो रही होगी क्योंकि अगर हम देखें 2017 में 175 का विप्रो का शेयर था और 2020 तक ये ढाई सौ रुपये ही पहुंच पाया था लेकिन उसके बाद कोरोना काल में जब ये टूटा था और उसके बाद जो इसने रफ्तार पकड़ी है वो बहुत बड़ी रफ्तार है क्योंकि यहाँ से जो ग्रोथ नज़र आ रही है विप्रो की वो शानदार है एक के बाद एक बड़े एक्विजिशन विप्रो जो है वो कर रहा है और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि विप्रो में अच्छा खासा पोटेंशियल भी है और मैं हमेशा से विप्रो को लेकर एक ही चीज़ कहता हूँ कि यहाँ पर जो लोगों का फ़ायदा होता है ना वो होता है बोनस से प्राइस तो बढ़ती है लेकिन विप्रो ने कई बार बोनस दिए हैं हम एक चीज़ एग्जाम्पल के साथ हमेशा कहते हैं कि अगर आपने आज से 40 साल पहले विप्रो में दस हजार रुपये भी लगाए होते तो आज आपके उस दस हजार रुपये की कीमत दो हजार करोड़ रुपए हो चुकी होती काफ़ी लोग कहेंगे कि 40 साल पहले दस हज़ार रुपये की कीमत भी तो उतनी ज़्यादा थी तो मैं कहूंगा कि भैया दो करोड़ जितनी नहीं थी ठीक है जितनी आज है तो मैं यही कहूंगा कि विप्रो डेफिनेटली मेरा फेवरेट शेयर है विप्रो हो गया इन्फोसिस हो गया टीसीएस हो गया एस सी टेक हो गया इन्फो एज हो गए ये आई क्षेत्र के दिग्गज शहर है ठीक है टेक महिंद्रा हो गया ये सब दिग्गज शहर है और ये समय के साथ बढ़ेंगे और बढ़ते रहेंगे ऐसा नहीं है कि अच्छा इतने सालों में इतना दौड़ गया अब इसका तेल ख़त्म हो चुका है जी नहीं टेक्नोलॉजी का तेल कभी ख़त्म नहीं होता टेक्नोलॉजी समय के साथ और बेहतर और बड़ी होती जाएगी आने वाले दौर में और जिस कंपनी इस क्षेत्र में महारत रखती है उनको फ़ायदा ही फायदा मिलने वाला है यहाँ पर देखें तो डि अब बोनस 2019 में पे किया 17 में पे किया 10 में पे किया दो पाँच में पे किया चार में पे किया स्प्लिट भी कई बार विप्रो हो चुका है और यहीं पे लोगों का पैसा बना है डिविडेंड को कुछ अच्छा पे नहीं करता ये सालाना आपको एक रुपए का ही यहाँ पर डिविडेंड मिलता है तो डिविडेंड से लोगों की कमाई नहीं होती यहाँ पर इन्वेस्टर्स की जो होती है कमाई वो होती है बोनस से वो होती है स्प्लिट से और वो होती है भैया शेयर के प्राइस में तेजी आने से और विप्रो का शेयर डेफिनेटली आग बन चुका है लेकिन अब मैं यहाँ से थोड़ा सा कोशिश होने की भी सलाह दूंगा क्योंकि पिछली बार अगर हम देखें तो यही वो लेवल्स थे जहाँ से यहाँ पर पैनिक आया था तकरीबन तकरीबन सात सौ के आसपास जब शेयर पहुंचा था सात सौ से ऊपर निकला था तो थोड़ा सा पैनिक यहाँ पर ज़रूर आया था और शेयर वापस से करेक्ट हुआ था दोबारा भागना शुरू कर रहा है मैं कहूंगा कि अभी जल्दबाजी मत करना खरीदारी करने की लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास है तो आप बेच दे नहीं बरक, बने रहो मैं हमेशा कहता हूं ट्रेडिंग नहीं इन्वेस्टमेंट करोगे तो फायदे में रहोगे जब भी विप्रो का शेयर 50 साठ रुपए तक करेक्ट होता है टूटता है और क्वांटिटी ऐड करने के मौके होते हैं वो ना कि यहां पर पैनिक करने के फ्रेश बाइंग के मौके में कहूंगा कि अगर शेयर यहां से 40-50 रुपए भी टूटता है तो वहां पर आपको फ्रेश बाइंग के मौके जरूर मिल जाएंगे सात सौ के नीचे खरीदारी के मौके बनेंगे और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि पोटेंशियल जरूर है कि दोबारा ये साढ़े सात सौ आठ सौ तक जा सकता है लेकिन उससे पहले थोड़ा सा खलका जरूर होगा वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर कर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और विप्रो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं थैंक यू